हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे टाटा 3118 क्यूमिंस BS4 अजिंक्या के J1 वायरिंग के बारे में। तो J1 का वायरिंग ये जो सामने दिखाई दे रहा है बस इतना ही आता है और J1 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ये J1 का कपलर है जो ECM पे एक बड़ा कपलर होता है, एक बड़ा सॉकेट लगता है और एक छोटा। तो जो छोटा वाला लगता है उसे J1 बोलते हैं। ये इस तरह से फिटिंग होता है और उसके बाद ये फिट होने के बाद ECM के साथ इतने जितने भी इंजन के सेंसर हैं मेन और एक्चुएटर सभी का कनेक्शन J1 वायरिंग के साथ रहता है। अभी हम सबको वन बाय वन देखेंगे। ये जो हम सॉकेट देख रहे हैं एक वायर का, ये ऑयल प्रेशर का स्विच है। ऑयल प्रेशर का स्विच के अंदर लगेगा और ऑयल का प्रेशर वैलिड है या इनवैलिड है या कितना है वो ECM को बताएगा। अगर हमारा सेंसर ख़राब हो जाए या ये वायरिंग टूट जाए तो ECM जो है चेक इंजन का लाइट देगा, क्योंकि उसे ऑयल का प्रेशर स्टार्ट गाड़ी में मालूम होना चाहिए। अगर ऑयल का प्रेशर नहीं है तो ECM जो है वो डैशबोर्ड पे लाइट दिखा देगा। और इस तरह से ये एक वायर का और लॉक वाला आता है जिसमें जो स्विच लगती है वो सिंगल पिन की होती है, लेकिन उसका पिन थोड़ा अलग होता है। ये J1 वायरिंग में ये जो चार वायर का कपलर है ये इस तरह से, ये चार वायर है इसमें। ये बूस्ट प्रेशर सेंसर का कपलर है। बूस्ट प्रेशर जो इनटेक मैनिफोल्ड पे लगा रहता है उसके अंदर जाके ये लगेगा। इसमें एक ग्राउंड और एक पॉजिटिव और दो रिटर्न सिग्नल रहते हैं। एक बताता है कि जो इनटेक मैनिफोल्ड पे हवा का प्रेशर कितना है और दूसरा वायर में से सिग्नल ECM को जाता है इस कनेक्टर के माध्यम से कि इनटेक मैनिफोल्ड पे जो हवा जा रही है उसका टेम्परेचर क्या है। और ये चार वायर का आता है और इसको अगर लगाना है तो इसे सीधा पुश कर देंगे तो लग जाएगा, निकालना है तो इस तरह से लॉक इसको दबाना पड़ता है पीछे से और ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये तीन वायर का जो कपलर दिखाई दे रहा है, तीन वायर है इसके अंदर। ये कैम सेंसर जो पंप के हाई प्रेशर पंप के नीचे और एयर कंप्रेसर का जो ब्लॉक होता है उसके बगल में, पहले जहां हम वो BS3 में एक पिन लगाते थे टाइमिंग का, इतना बड़ा पिन आता था एयर कैम शाफ्ट के जो गियर आता था उसके पीछे जिस होल में हमारा वो जो पिन लगता था टाइमिंग लॉक करने के लिए, उसी जगह पे कंपनी ने अभी BS4 गाड़ियों में ये जो कैम सेंसर दिया है वो लगता है। और इसमें तीन वायर का ये आता है। ये इसमें एक में ग्राउंड रहेगा, ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये लाल कलर का, उसमें वोल्टेज जाएगा। और बीच वाला ग्राउंड का है, वाइट वाला रिटर्न सिग्नल का है। और ये जो है इसको निकालने के लिए पीछे से इस तरह से पुश करना पड़ता है, दबाएंगे तो निकल जाएगा और बैठाने के लिए सिर्फ ऐसे घुसा देना है। उसके बाद ये दो वायर का जो सॉकेट दिखाई दे रहा है ये हमारा हाई प्रेशर पंप में जो पीछे मीटरिंग यूनिट लगा रहता है, मीटरिंग यूनिट में जो डीजल का प्रेशर कितना रखना है कितना नहीं रखना है उस चीज़ के लिए काम करता है वो मीटरिंग यूनिट के अंदर। और इसमें ओपन टाइप का, इस गाड़ी में BS4 अजिंक्या इंजन में ओपन टाइप का मीटरिंग यूनिट लगा रहता है। अगर इस वायर को हम निकाल भी लें तो हमारी गाड़ी स्टार्ट रहेगी, लेकिन डीजल का प्रेशर अचानक बढ़ जाएगा और डीजल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा हमेशा स्टार्ट गाड़ी में, रेस गाड़ी में। तो कभी भी इसका वायर अगर टूट जाता है तो आपको ध्यान देना है। 559 का भी और कई तरह के दूसरे फोल्ड कोड आते हैं, तो अगर ये कपलर लूज़ है तो इसको तो भी फोल्ड कोड देगा। तो इसको अगर बैठाना है तो हमें सिर्फ पुश करना है, बैठ जाएगा, लेकिन निकालने के लिए इस तरह से हमें दबाना पड़ता है और ये बाहर आ जाएगा। ये जो काला वाला वायर दिख रहा है इसमें ग्राउंड आता है अर्थिंग, और ये जो ब्लू कलर का वायर दिख रहा है इसमें पॉजिटिव करंट आएगा। इसके बाद हम देखेंगे उसी वायर के अंदर जो मीटरिंग यूनिट के वायर के सबसे लास्ट में ये हमारा क्रैंक शाफ्ट सेंसर का कपलर है। ये तीन, एक दो तीन पिन का है
और इसमें तीन वायर लगे हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है और एक रेड है। रेड वाले में 5 वोल्ट का करंट आता है ECM से, और ब्लैक वाले में ECM से ही ग्राउंड आता है, और ये जो वाइट वाला है यहाँ से सिग्नल जब हम क्रैंकिंग करेंगे और हमारी डंपर पुली के आगे जो काउंटर व्हील है घूमेगा, तो सफ़ेद वायर से सिग्नल जाएगा ECM को कि हम इंजन को घुमा रहे हैं, तो इंजन का जो कितना RPM है वो ECM को बताता है, उसका पल्स जाता है ECM को, क्योंकि ये हमारा J का वायरिंग है, J1 का जो कनेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इंजन मैनेजमेंट के ही, उसमें सभी तरह के ज़रूरी जो कपलर सेंसर जो हैं वो कपलर दिए हुए हैं, और उसके बाद ये अगर कभी ख़राब हो जाता है तो हमें इसे चेक करना है, तो कपलर को अगर बाहर निकालेंगे तो निकालने के बाद एक में ये लाल वाले में पॉजिटिव आएगा और काले वाले में ग्राउंड, और वाइट वाले में सिग्नल नहीं बताएगा क्योंकि वायर लगा होगा और क्रैंकिंग होगा तभी सिग्नल बताएगा। उसके बाद एक और इसी के बगल में ये 2 पिन का, ये जो हम देख रहे हैं ये सॉकेट जो है 2 वायर का है, और इसके अंदर एक लाल और एक काला 2 वायर है, और ये टेम्परेचर सेंसर जो होता है हमारे थर्मोस्टेट के बगल में, कूलिंग टेम्परेचर जो होता है वो ECM को बताने के लिए ये वायर और ये सेंसर काम करता है, लेकिन मीटर को चलाने के लिए इन गाड़ियों में एक सिंगल पिन का टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, जो J2 वायरिंग के अंदर उसका सॉकेट आता है, लेकिन J1 में जो है वो सभी सेंसर की जानकारी सीधा ECM को जाती है, जिससे ECM इंजन को मैनेज करने का काम करता है। और ये 2 वायर का है, एक में ग्राउंड आएगा और एक में पॉजिटिव आएगा, और कभी इसको निकालना अगर है तो हमें इस तरह से पुश करना पड़ता है, इस तरह से दबाएंगे और ये लॉक खींच सकते हैं, और अगर बैठाना है तो सिर्फ ऐसे अंदर पुश कर देंगे और ये बैठ जाएगा, और ये सील भी होता है ताकि यहाँ पे पानी वगैरह जाके सेंसर की पिन में जंग ना लगे। ये हमने आधा J1 का आधा देख लिया, J1 का जो एक्चुएटर का और एक ये जो दूसरा वायर है रेल सेंसर का, ये दूसरे भाग में है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो 2 वायर का हम सॉकेट देख रहे हैं ये कैन कम्युनिकेशन के लिए है। अगर हमारे गाड़ी में 16 पिन के अडेप्टर में अगर कोई भी स्कैनर को लगाते हैं और वो काम नहीं करता है, तो हम यहाँ के रेसिस्टर को बाहर निकाल के और यहाँ से लैपटॉप को सीधा हम ECM के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें एक रेसिस्टर लगा रहता है, टर्मिनेटिंग रेसिस्टर बोलते हैं, और उसको हटाने के बाद यहाँ पे एक फॉल्स केप लगा रहेगा, उसको भी हम निकाल के डायरेक्ट हमारा स्कैनर इसके साथ जोड़ सकते हैं। और ये जो 3 वायर का जो दिखाई दे रहा है, 3 वायर का सॉकेट, ये रेल प्रेशर सेंसर का है। इसमें एक पीला और एक वाइट और एक काला, 3 कलर का वायर है। एक में वोल्टेज आता है और एक में पॉजिटिव वोल्टेज आता है, एक में ग्राउंड आता है, और एक वाइट वाला जो है यहाँ पे सिग्नल जाता है। तो ये सिग्नल का वायर यहाँ पे कलर कोड में थोड़ा फर्क है, ये बीच वाला वायर है ये सिग्नल का वायर है। अगर हम इसको निकालें बाहर और वोल्टेज चेक करें चाबी ऑन करने के बाद, एक में 5 वोल्ट का और कपलर निकालने के बाद जो सिग्नल वायर है उसमें भी 5 वोल्ट का करंट आएगा और एक में ग्राउंड आएगा। अगर ये हमारा सॉकेट ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है या वायर टूट जाते हैं तो भी हमारी गाड़ी नॉकिंग करेगी, क्योंकि हमारा जो मीटरिंग यूनिट है रेल सेंसर से जानकारी अगर नहीं मिलती है ECM को तो मीटरिंग यूनिट डायरेक्ट हो जाता है, जिससे अधिक से अधिक जितना भी फ्यूल का प्रेशर है वो हर कंडीशन में आइडल पे भी ज़्यादा रहेगा और मैक्स RPM पे भी फ्यूल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जिससे हमारा PRV बार बार लीकेज होता है। तो कभी भी गाड़ी में PRV लीकेज हो तो हमें ध्यान देना है कि हमारा रेल सेंसर अगर ख़राब हो गया, रेल सेंसर का वायर टूट गया या रेल सेंसर में
यहाँ कहीं जंग लग गया या सॉकेट खराब हो गया, और यहाँ से रेल सेंसर की जानकारी अगर J1 कनेक्टर के माध्यम से ECM को सही नहीं मिल रही है, तो हमारा जो मीटरिंग यूनिट है, ये जो मीटरिंग यूनिट का वायर है वो सही काम नहीं करेगा। सॉरी, ये वाला मीटरिंग यूनिट का, ये जो दो वायर लगे हैं मीटरिंग यूनिट में, वो वोल्टेज दे ना दे, लेकिन हमारा मीटरिंग यूनिट डायरेक्ट हो जाएगा, जिससे गाड़ी में डीजल का प्रेशर ज़्यादा होने से नॉकिंग की समस्या आ जाएगी। उसके बाद ये तीन कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये इंजेक्टर के हैं, तो एक में चार वायर है, एक में चार वायर है और एक में चार वायर है, इस तरह से। तो चार वायर मतलब दो इंजेक्टर के, और चार वायर इसमें दो इंजेक्टर के, और चार वायर इसमें दो इंजेक्टर के, टोटल छः इंजेक्टर की ये गाड़ी है। और ये टेपेट कवर का जो पैकिंग आता है उसके सॉकेट में ये लगेंगे, और ये एक्चुएटर है। पूरे J1 के अंदर हमने देखा कि J1 के अंदर दो ही एक्चुएटर है, एक मीटरिंग यूनिट ये वाला और इंजेक्टर, बाकी सभी सेंसर हैं और सभी ज़रूरी सेंसर हैं। यहाँ J1 कनेक्टर से जितने भी वायर निकलते हैं वो सभी इंजन के सेंसर्स को ग्राउंड पॉजिटिव और देते हैं, और वहाँ से सिग्नल लेते हैं, और दो जगह पे सिर्फ एक मीटरिंग यूनिट को वोल्टेज देने के बाद एक्चुएटर का काम लेता है ECM, और इंजेक्टर भी एक्चुएटर है, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज देता है, एक्चुएटर से कोई जानकारी ECM को नहीं जाती है, सिर्फ ECM से जानकारी एक्चुएटर को जाती है। इन सब की मदद से कैलकुलेशन करता है हमारा ECM, और इंजेक्टर को और मीटरिंग यूनिट को चलाने का काम करता है। इस वायरिंग का मेन काम यही होता है, और ये सबसे मेन वायरिंग यही है, इंजन को मैनेजमेंट करने के लिए, कितना हवा का प्रेशर है, कितना पानी का टेम्परेचर है, कितना डीजल का प्रेशर है, और कितना हमें इंजेक्टर को अब वोल्टेज देना है। अब इस तरह की जो खास जानकारी है वो J1 कनेक्टर के माध्यम से इंजन के जितने भी सेंसर हैं वहाँ पे वोल्टेज ग्राउंड जाता है, वहाँ से फिर सिग्नल ECM को आता है, जिसकी मदद से ECM हमारे जो मेन दो हमारे इंजन के जो एक्चुएटर हैं उनको चलाने का काम करता है, एक हमारा मीटरिंग यूनिट और दूसरा इंजेक्टर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नए वीडियो हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू।